कौन नमस्कार हुआ दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा और आज अपन बात करने वाले हैं OnePlus 8T के बारे में। तो OnePlus 8 जो है वो OnePlus 8 Pro के साथ में रिलीज हुआ था अप्रैल के अंदर और उसको जो है वो लगभग 6 महीने हो चुके हैं। और OnePlus का एक ट्रेंड है कि 6 महीने के अंदर वो लोग अपने स्मार्टफोन को जो है वो रिफ्रेश करते हैं, लेकिन बीच में उन लोगों ने Nord जो है वो रिलीज कर दिया। तो ऑब्वियसली 8T Pro को जो है वो थोड़ा सा और बाद में रिलीज करेंगे, लगभग सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर के अंदर तक। तो सेप्टेम्बर जो है वो चालू हो चुका है, आईफोन्स वगैरह भी जो है वो लीक होना स्टार्ट हो चुके हैं, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 जो है वो मार्केट में आना स्टार्ट हो चुका है। तो एक तरीके से टेक्टोबर जो है वो आने वाला है और काफी नए स्मार्टफोन जो है वो रिलीज होने वाले हैं दुनिया भर की कंपनीज की तरफ से। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड जो हूं मैं OnePlus 8 को लेकर था, क्योंकि OnePlus 8 Pro का मैं रिव्यू नहीं कर पाया था टाइम के ऊपर, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते वो वाले फोन जो है वो डिलीवर होने में जो है वो लेट वगैरह हो गए थे और काफी लेट डिलीवर हुए थे। तो फिर मेरे को सेंस नहीं बन रहा था उनको रिव्यू करने का, तो फिर मैंने उनको नहीं खरीदा इस उम्मीद में क्योंकि 6 महीने बाद जो है वो 8T आने ही वाला है और मैं उसका रिव्यू करना जो है वो ज्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वाले स्मार्टफोन्स जो है वो ज़्यादा सुपीरियर होंगे 8 के कंपैरिजन में और 8 प्रो के कंपैरिजन में। तो 8T जो है वो पहले भी जो है वो लीक हो चुका था Geekbench साइट्स के ऊपर, जहाँ पर जो है वो बता रहे थे कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो Snapdragon 865 या फिर 865 प्लस जो है वो आने वाला है विद 8GB ऑफ रैम। और जो ओवरऑल स्कोर था उस वाले स्मार्टफोन का दोनों के दोनों कोर्स और सिंगल कोर और मल्टी कोर के ऊपर, वो भी काफ़ी शानदार वाला आ रहा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है इसका स्कोर दिख रहा था। तो सब लोग जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन OnePlus ने जो है एक और बार इस वाले स्मार्टफोन जो है वो लीक कर दिया है और इस बार साफ डिस्प्ले वगैरह जो है वो दिख रही है, फोन का फ्रंट वगैरह जो है वो आपको आराम से देखने को मिल रहा है 8T का, ना कि 8T Pro का। सिर्फ 8T को जो है वो लीक करा है OnePlus ने यहां पर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और यहां पर आप देख सकते हो उसके आगे वाला पैनल पूरा का पूरा नेवर सेटल लिखा हुआ है, नया सा कोई वॉलपेपर है जो कि मुझे आईफोन के वॉलपेपर की तरह से कॉपी लग रहा है। और यहां पर जो है पंच होल कटआउट भी जो है वो देख सकते हो। और सबसे ज्यादा यूनिक चीज जो है इसके अंदर ये है, पहले वाले स्मार्टफोन के कंपैरिजन में OnePlus 8 के कंपैरिजन में 8T अंदर, और वो ये है कि इसके अंदर जो है आपको फ्लैट स्क्रीन जो है वो देखने को मिल रही है। तो 8 के अंदर जो है वो आपको कर्व डिस्प्ले जो है वो देखने को मिली थी हल्की सी, लेकिन इसके अंदर जो है वो फ्लैट डिस्प्ले आ रही है जो कि एक तरीके से नॉर्ड के जैसी ही है। तो ओवरऑल फोन जो है काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, मुझे जरा सी प्रॉब्लम नहीं है इस वाले फोन के अपीयरेंस से। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं फ्लैट डिस्प्ले को जो है वो ज्यादा प्रेफर करता हूं एज कंपेयर टू अपनी कर्व डिस्प्ले, क्योंकि कर्व डिस्प्ले जो है ऐसा कोई खास बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती सिवाय अनकंफर्टेबल होल्डिंग के और एक्सीडेंटल टचेस के। और फ्लैट डिस्प्ले जो है वो जनरली जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल रहती है होल्ड करने के अंदर और अच्छे खासा आपको कंटेंट जो है वो दिख जाता है। तो एस्थेटिक्स के सिवाय कर्व डिस्प्ले में और कोई ज्यादा फायदा जो है मुझे नहीं लगा। यहां पे OnePlus जो है भयंकर वाली एज डिस्प्ले के फीचर्स भी जो ये यूज नहीं करता है Samsung के स्मार्टफोन्स की तरह, तो मुझे कर्व डिस्प्ले का जो है वो मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता। बट अपेरेंटली OnePlus दे रहा था तो ठीक ही था, लेकिन फ्लैट डिस्प्ले से मुझको जरा से भी कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे रेंडर के साथ एक और चीज जो है वो लीक हुई है और वो है गेमिंग मोड। गेमिंग मोड के मेन्यूज के अंदर OnePlus वालों ने जो है वो थोड़ा सा तामझाम जो है वो हल्का सा बदला है और दोनों के अंदर ये जो है वो रिलीज हुआ है, लैंडस्केप के अंदर भी और पोर्ट्रेट के अंदर भी। एंड टू बी ऑनेस्ट, नया वाला गेमिंग मोड जो है वो अच्छा लग रहा है, हालांकि मेरे को हल्की सी ओपो वीवो वाली यूआई की फील जो है इसके अंदर से आ रही है, बट अपेरेंटली अच्छा है। तो शानदार बात यह है इन्होंने एमआई की जो है हल्की सी थोड़ी सी चुराई है, और वो ये है कि आप व्हाट्सएप वगैरह के मैसेजेस और इंस्टाग्राम वगैरह के मैसेजेस का रिप्लाई वगैरह जो है वो कर सकते हो बिना गेम को पॉज करे, बिना गेम से बाहर जाए। तो ये अच्छी वाली बात है, यहाँ पे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आप देख सकते हो बना हुआ है। और इसके साथ साथ मैसेजेस ऐप के अंदर RCS स्टैंडर्ड्स का भी जो है यहाँ पे इन्होंने इंप्लीमेंटेशन जो है वो करा है। RCS स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली स्टॉक मैसेजिंग ऐप को जो है व्हाट्सएप आई मैसेज वगैरह की तरह जो है बनाते हैं, ताकि आप अपनी GIFs वगैरह अपनी इमेजेस वगैरह जो है दुनिया भर की चीजें आराम से मैसेजिंग ऐप के अंदर से ही भेज सको। तो ये चीज जो है वो बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब जो है वो OnePlus वाले कर रहे हैं, एंड्रॉइड ने ऑलरेडी कर रखी है अपने गूगल वाले ऐप के अंदर, और सैमसंग भी जो है वो करता हुआ आया इस वाली चीज को। यहाँ पे काफी ज्यादा लोग जो है वो 65 वॉट की सुपर रैप चार्जिंग भी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं OnePlus 8T डिवाइसेस से। तो अपेरेंटली वो सब कुछ जो है वो देखा जाएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले हफ्तों के अंदर OnePlus जो है वो ऑब्वियसली OnePlus 8T को जो है वो जानबूझ के लीक करना जो है वो चाहेगा और ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स जो है वो चलती रहेंगी जब तक ये वाला फोन जो है बाहर आ जाएगा। ऑब्वियसली अक्टूबर नवंबर तक ये वाला स्मार्टफोन जो है वो रिलीज कर देते हैं और नवंबर के मिड या एंड के अंदर अपने हाथों में डिवाइसेज जो है वो आ जाते हैं। तो अगर टाइम पे सब कुछ चलता रहा तो ये वाले डिवाइसेज जो है वो काफी जल्दी हाथ में आ जाएंगे और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो फिर यही था आज की वीडियो के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाइयों। लाइक करने वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। दिस इज मिस्टर सनी भाइयों, जय हिंद। कौन नमस्कार हुआ दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।